अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आई एम अतीक खनीफ वेलकम टू तो माय चैनल एस टेक्निकल दोस्तों ये कंप्यूटर शार्ट कोर्स की क्लास नंबर छः है पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के, के आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं आज की इस क्लास का टॉपिक जो है वो बेसिक पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा बेसिक पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट सिस्टम यूनिट के बेसिक पार्ट कौन कौन से हैं इस बारे में मैं मुकम्मल डिटेल से आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तों शुरू करने से पहले जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और ये साथ वाले बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके हाल के बटन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको आने वाले हर लेक्चर की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके तो दोस्तों चले आए शुरू करते हैं दोस्तों ये कंप्यूटर शार्ट कोर्स की क्लास नंबर छः है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस। इस क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट दोस्तों सिस्टम यूनिट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ आज हम देखेंगे कि सिस्टम यूनिट जो है इसके बेसिक पार्ट कौन से हैं मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर और भी बहुत से पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा तो आज की इस क्लास में मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा कि सिस्टम यूनिट के जो बेसिक पार्ट हैं इसके बारे में ही मैं मुकम्मल डिटेल से आपको इस क्लास में बताऊंगा बेसिक पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट अब आगे चलते हैं दोस्तों दोस्तों ये सिस्टम यूनिट है यानी कि जिसको लोग सी कहते हैं जो कि गलत है इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं इसके बेस सिख पार्ट के बारे में मैं आपको मुकम्मल डिटेल से आज बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है तो आप आगे चलते हैं दोस्तों ये देखें ये होता है मदर बोर्ड इसको कहते हैं मदर बोर्ड इसके ऊपर ही सारे पुरजे लगे होते हैं वो पार्ट्स ला के सारा एक सिस्टम यूनिट बनता है इसको कहते हैं मदर बोर्ड आगे चलते हैं सी दोस्तों ये होता है सी या प्रोसेसर जो सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है इसको कहते हैं सी लोग वो पूरे इसको सी पी कह देते हैं वो गलत होता है सी पी ये होता है जो कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं ये हमारा सारा प्रोसेस जो होता है कंप्यूटर में वो इसी के थ्रू होता है इसको कहते हैं सी पी आप आगे चलते हैं दोस्तों रैंडम एसेस मेमोरी यानी कि रैम रैम जिसको हम आपने नाम सुना होगा रैम इसको क्या कहते हैं रैंडम एस एस मेमोरी ये भी मदरबोर्ड के ऊपर लगती है ये मुख्तलिफ जी बी की होती है या पहले एम बी की आती थी अब जी बी में आना शुरू हो गई है ये भी मदर बोर्ड के ऊपर लगती है अब आगे चलते हैं हार्ड डिस्क आर या हार्ड ड्राइव भी इसको कहते हैं ये भी हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर ही लगती है इसमें हमारा डाटा स्टोर होता है आप जितना भी डाटा स्टोर करते हैं वो इसी के अंदर स्टोर होता है इसमें जो सी ड्राइव है उसमें विंडो होती है अमूमन बाकी मुख्तलिफ़ ड्राइव होती हैं जिसमें आप डाटा सेव करते हैं आप ये तो देख रहे हैं ये हार्ड डिस्क को खोल के मैंने आपको दिखाया है यानी कि इसकी पिक्चर है ये इसी तरह इसके अंदर एक प्लेट होती है ये जो ऊपर एक रीड लगा होता है जो उसको रीड करता है जब आप हार्ड को चलाते हैं या कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये प्लेट सी जो लगी हुई है ये घूमती है और ऊपर जो आपको पार्ट्स नज़र आ रहा है वो उसको रीड करता है आप आगे चलते हैं कंप्यूटर फैन दोस्तों सिस्टम यूनिट के अंदर एक फ़ैन भी लगा होता है एक सीपीयू के ऊपर फैन लगा होता है जो कि सीपीयू को ठंडा करने के लिए लगा होता है इसी तरह सिस्टम यूनिट के अंदर भी फैन लगे होते हैं जो उसको ठंडा करने के लिए यानी कि यानी कि कूल रखने के लिए उसके मुख्तलिफ पार्ट्स के साथ लगाए जाते हैं ताकि जो गर्म हवा है वो यहाँ से सिस्टम यूनिट से बाहर निकल जाए अब आगे चलते हैं सीडी रोम या डीवीडी रोम डिवाइस दोस्तों ये भी सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है जिससे हम सी या डीवीडी डी को रीड करते हैं सी या डीवीडी भी दोस्तों अब आस्ता आस्ता खत्म हो रही है अब यू चल रही है सी का दौड़ भी तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है अब लोग डाटा जो होता है अपना यू के ज़रिए ट्रांसफर करते हैं और विंडो भी यू के जरिए कर लेते हैं पहले जो है दोस्तों विंडो जो आपने करनी होती थी वो सी के थ्रू ही होती थी और डाटा भी जो आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता था वो भी आप सीडी के जरिए करते थे जी सीडी रूम है सीडी रूम में डी आप सीडी या डीवीडी डालते थे और डेटे को अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेते थे अब यू चल पड़ी है यू के ज़रिए मुखलिफ जगह से डाटा ले के आते हैं और अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं इसके अलावा जो विंडो भी हमने करनी है वो भी यू के ज़रिए ही अब कर ली जाती है अब आगे चलते हैं दोस्तों दोस्तों पावर सप्लाई ये भी सिस्टम यूनिट के अंदर लगती है इसको आपको ये नज़र आ रही होगी पावर यहाँ पे हम लगाते हैं और कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये कंप्यूटर को पावर देता है सप्लाई के जरिए मदरबोर्ड जो मैंने आपको दिखाया था उसको मुख्तलिफ़ पाँच वोल्ट भी जाते हैं और बारह वोल्ट के भी जाते हैं यानी कि ये ए सी को डी सी में तब्दील करती है ये कंप्यूटर की पावर सप्लाई होती है जो हमारी मदरबोर्ड के ऊपर भी लगती है हार्ड डिस्क के ऊपर भी लगती है और सिटी रूम के ऊपर भी लगती है आगे फ्लापी रूम में आपको दिखाता हूँ फ्लापी रूम में भी लगती है ये सबको रन करने के काम आती है जिसके जिसमें पावर आप लगाते हैं और सारा कंप्यूटर ऑन होता है ये कंप्यूटर की पावर सप्लाई कहलाती है अब आगे चलते हैं दोस्तों ये देखें ये फ्लापी रूम है फ्लापी ड्राइव ये तो बिल्कुल आ, बिल्कुल ही अब ख़त्म हो गई है पहले आती थी ये भी सिस्टम यूनिट के अंदर ही होती है दिखाने का मतलब दोस्तों यह है कि आपको पता होना चाहिए कि ये फ्लापी डिस्क है अगर कोई आपसे पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्लापी डिस्क है दोस्तों ये भी पहले आती थी सी जिस तरह सीडी रोम काम करता है सबसे पहले ये फ्लापी डिस्क आती थी फ्लापी के ज़रिए हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता था तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है अब आगे चलते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही आज मैंने आपको सिस्टम यूनिट के बेसिक पार्ट के बारे में बताया कि सिस्टम यूनिट के बेसिक पार्ट्स कौन से हैं तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आपको मेरी समझ आ रही है तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो सके जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं दोस्तों मेरा मकसद उन लोगों की हेल्प करना है जो लोग अकेडमियों में फीस नहीं दे सकते और वो कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं ये कोर्स उन लोगों के लिए है या जो घर बैठ के कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है दोस्तों ये कोर्स उन लोगों के लिए है ताकि उनको पता लग सके कि कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर को कैसे चलाया जाता है मैं इन दोस्तों इस कोर्स में बहुत कुछ आपको आने वाले लेक्चर में सिखाऊंगा आस्ता आस्ता तो दोस्तों आप मेरे इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच सके और उन लोगों की हेल्प हो सके जो ये कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इस वीडियो के मतलब कोई भी सवाल हो तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग